नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे और मैं देखिए हाजिर एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कावेरी इंजन के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कि आप सब जानते होंगे, हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था इस बारे में। और कावेरी इंजन के प्रॉब्लम्स को लेकर हम अक्सर अपने प्रीवियस वीडियोज में इसके रीहीट प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में उस प्रॉब्लम को थोड़ा नज़दीक से जाकर देखेंगे और इस चीज़ को जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है जो लोग आजकल कह रहे हैं कि स्नेकमा और साफरान ने कावेरी इंजन को लेकर कोई काम नहीं किया है, सिर्फ इंडिया के पैसे लिए हैं। तो इस बात में देखेंगे कितनी सच्चाई है। सो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें आफ्टर बर्नर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर आफ्टर बर्नर जिसे ऑगमेंटर्स कहते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बेसिकली जो भी मिलिट्री फाइटर जेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन करते हैं और उनको एक कुछ ही अमाउंट ऑफ टाइम में हायर थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि टेक ऑफ के टाइम पे या फिर मिसाइल लॉन्चिंग के टाइम पे। अगर आपका एयरक्राफ्ट एक ग्रेटर जी टर्न ले रहा है तो उस टाइम पे, या फिर आप किसी एनमी के मिसाइल को डॉज करने वाले हो, तो ऐसे कुछ कंडीशंस में आपको एक ग्रेटर थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक कम अमाउंट में आनी चाहिए। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आपका ट्रेडिशनल इंजन होता है वो इस तरह के थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसीलिए हमें आफ्टर बर्नर की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर इस तरह के थ्रस्ट के रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो इस तरह के थ्रस्ट के रिक्वायरमेंट को दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। आपका पहला तरीका है आपके इंजन की जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर दो तो आपको ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा, या फिर उस एग्जॉस्ट वेलोसिटी का जो मास फ्लो रेट है उसको आप इंक्रीज कर दो तो आपको एक ग्रेटर थ्रस्ट मिलेगा, जो कि आमतौर पे आप देखते हो कि आपको जो भी टर्बो जेट इंजन होते हैं उनमें आपको इस तरह का जो टेक्निक है वो यूज़ किया जाता है थ्रस्ट बढ़ाने के लिए एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो जो सेकेंड ऑप्शन है जिसमें आप मास फ्लो रेट इंक्रीज करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका इंजन बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जो मास फ्लो रेट है एट द एग्जॉस्ट वो आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए आपको एरिया चाहिए होगा। तो इसलिए आप देखते हो कि जो थ्रस्ट टू इंजन साइज है जो टर्बोजेट इंजन होते हैं उनके ग्रेटर होते हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हो टर्बोफैन इंजन्स की, भले ही प्रोफेशनल एफिशिएंसी उतनी ना हो लेकिन एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में आपको ज़्यादा थ्रस्ट दे देता है, और वहीं पर जो इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ प्रो और कॉन्स हैं जिसमें टर्बोफैन को लेके जो प्रो फैक्टर्स हैं वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए हम टर्बोफैन इंजन मिलिट्री फाइटर जेट्स में यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कावेरी इंजन की। तो कावेरी इंजन जब साफरान के पास गया था तो इसमें जो रीहीट ऑसिलेशन की प्रॉब्लम थी, इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज में। तो वो रीहीट ऑसिलेशन क्यों आ रही थी? तो बेसिकली रीहीट ऑसिलेशन आने के दो कारण हो सकते हैं। तो आपका पहला है आपके इंजन में लगे ऑगमेंटर की जो स्टैटिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, और इसी में आपका जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका इंजन की जो ऑगमेंटर है उसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो ये जान लेते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंजन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक स्टेबिलिटी की। तो स्टैटिक स्टेबिलिटी किसी भी इंजन का वो कैरेक्टर होता है जिसके अंतर्गत वो इंजन कैपेबल होता है एक लंबे ड्यूरेशन के लिए फ्लेम को मेंटेन करने में, जिसमें क्या होता है कि आपके कोर में लगे जो फ्यूल इंजेक्टर है और जो फ्लेम होल्डर है उनके बीच में जो गैप होता है उस दरमियान जो फ्लेम स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट द फ्लाइट आवर्स, कि आप जितने भी आवर तक फ्लाइट ले रहे हो उस पूरी फ्लाइट आवर में वो मेंटेन रहेगी। तो इतना तो आप सब जानते होंगे कि आफ्टर बर्निंग स्टेट में एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करते हैं, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी आपके एयर पीछे से आ रही होती है कंबशन चैम्बर से या फिर टर्बाइन से, उन एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो सिर्फ 25% ही यूटिलाइज हो पाती है, बाकी का जो 75% ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करके एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और उसी चीज को मेंटेन करने के लिए जो स्टैटिक स्टेबिलिटी है वो आपके पिक्चर में आ जाती है। तो ये जो स्टैटिक स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी ये भी प्रॉब्लम उस दौरान थी जब ये इंजन साफरान के पास गया था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। अब बात करते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी की। तो डायनेमिक स्टेबिलिटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपके जितने भी फ्लेम होल्डर्स होते हैं उन सभी फ्लेम होल्डर्स में एक अनस्टेडी रूप से फ्लेम का फ्लो हो रहा होता है, और जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, और उसका परिणाम ये होता है एक तरफ हीट ज़्यादा हो जाती है और एक तरफ हीट कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और ये इंजन ऑसिलेट करने लग जाता है। इसको हम आगे और विस्तार रूप से देखेंगे। तो ये स्टैटिक स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मेनली एसोसिएट करता है रंबल और क्रीच से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रंबल क्या होता है। तो रंबल बेसिकली वो फेनोमेना है जब आप अपने रीहीट स्टेज में फ्यूल इंजेक्ट करते हो, तो उस इंजेक्शन के टाइम पे जो फ्लेम होल्डर उसके आगे दिया गया होता है, तो क्या होता है आपने जो फ्यूल इंजेक्ट किया और उन सभी फ्यूल इंजेक्टिंग बॉडी में से अगर जो फ्यूल का अमाउंट है वो थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लो ये आपका फ्यूल इंजेक्टर ए है, ये फ्यूल इंजेक्टर बी है, और इसी के सामने हमने फ्लेम होल्डर्स दे रखे हैं कि वो हेल्प करेगा इन सभी इंजेक्टर से आ रहे फ्यूल्स को वेपराइज करने में, तो
तो अगर किसी एक इंजेक्टर से भी फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा आ रहा होगा तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि इस इंजेक्टर में से मान लो फ्यूल कम आ रहा है और इसमें से फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, तो जिस इंजेक्टर में से फ्यूल ज़्यादा आ रहा होगा उसका जो वेपराइजेशन है वो लेट होगा और इसका जो वेपराइजेशन है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसके वेपराइजेशन जल्दी होने की वजह से इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वो तो वेपराइज हो गया तो इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स खुल जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स खुलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और वहीं पे ये थोड़ा लेट वेपराइज हो रहा है तो यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स भी टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड कर गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक तरह की अकोस्टिक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है जो कि तकरीबन 60 से लेकर 120 हार्ट के बीच में वाइब्रेट होती है, और इस फेनोमेना को रंबल कहते हैं। और ये फेनोमेना सॉल्व कर लिया गया था साफरान और इंडियन बॉडी की हेल्प से। तो ऐसा नहीं है कि साफरान ने इस पर कोई काम नहीं किया है, तो इतना काम तो हुआ है। जहाँ तक आप बात करते हो स्क्रीच की, तो ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि शायद अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि जो स्क्रीच की प्रॉब्लम है वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि एटमाइजेशन रेट, इवेपोरेशन रेट, फ्लेम होल्डर ज्योमेट्री, स्प्रे इंजेक्शन साइज। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि स्क्रीच को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जो स्क्रीच की प्रॉब्लम है वो किस वजह से आ रही है उसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली क्रीज क्या होता है, जो हमने अभी सारे फैक्टर्स बताए हैं, इन्हीं फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की वजह से अकोस्टिक वेव जनरेट होती है, और वो अकोस्टिक वेव ट्रेवल करते हुए आपकी जो लाइनिंग है, जेट लाइनिंग, वहाँ पे चली जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी एक लोअर टेम्परेचर की एयर ट्रेवल कर रही होती है जो कि हम बाईपास कर रहे होते हैं कंबसन चैम्बर से। तो उस एयर के इस वेव के इंटरेक्शन के बाद वो शॉक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आपका फ्रिक्वेंसी का लेवल है वो बढ़ जाता है और जो इंजन की वाइब्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि आपका जो इंजन अपने लोकल इन्वायरमेंट में हीट लॉस करने लग जाता है और उसका जो सरफेस है वो श्रिंक हो जाता है। तो टेक्निकली इस हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए लाइनर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लाइनर का मटेरियल है वो हीट को प्रोपोगेट करने दे रहा है और खुद ही श्रिंक हो जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ये स्क्रीच का इशू थ्रू आउट द आफ्टर बर्नर फेज ट्रैवल कर रहा है, जो कि किसी भी जेट इंजन के लिए सही नहीं है, जिसे एक लंबे टाइम के लिए रन करना है और सुपर क्रूज करना है। तो अभी फिलहाल ये इंजन 75 से लेकर 76 किलोमीटर का थ्रस्ट कंफर्टेबली जनरेट करने में सक्षम है, जबकि इसे 85 से लेकर 90 किलोमीटर के बीच में थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था। तो यहाँ पे स्क्रीच को कंट्रोल करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है उस वेव को प्रोपोगेट होने से रोका जा सकता है, लेकिन अभी जो हमारा मेन फैक्टर बताया जा रहा है वो इसका है थर्मल बैरियर कोटिंग, जो कि स्पेशली लाइनर के रूप में यूज की जाती है। और इसके कोर में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है पूरा सेटअप, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इसका जो कोर है वही रिडिजाइन करना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा। और इसी को लेकर साफरान ने भी ये ऑफर किया था कि इसके कोर के साथ उनका जो M88 का कोर है उसका एक हाइब्रिड बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इंजन इंडिजिनस नहीं रह जाएगा। अगर हमारा अपना इंडिजिनस थर्मल बैरियर कोटिंग बन जाता है अपने मटेरियल से, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये एक बड़ा स्टेप होगा कावेरी इंजन के लिए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से 2020 का मध्य दिया गया है इसको रिव्यू करने के लिए, देखते हैं तब तक क्या निकल के आता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट टू है, जिसमें मैं क्रीज की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिजोल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, प्रोबेबल तरीके, उसे कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।